गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास टेंथ टेंथ बी एंड टेन डी। देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, लेसन के एंड के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें हम लोग ने 6C जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वहां तक कर लिया था। अब बचे हुए क्वेश्चंस को मैं कर रहा हूं और इसको आपको कॉपी में भी करना है, ठीक है ना, फेयर कॉपी में करना है। पीछे की एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करनी है, तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। एनसीईआरटी बुक खोली, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और उसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखिए, लेसन एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रखा है कि वी विश टू ओपेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। आपको कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, -15 सेंटीमीटर। कह रहा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का रेंज क्या होगा, यू का मुझे रेंज निकालना है, ठीक है, फ्रॉम द मिरर। वी विश टू ओपेन एन इरेक्ट इमेज, आपको इरेक्ट इमेज ओपेन करनी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। तो देखो कॉनकेव मिरर से बस एक केस को छोड़ दिया जाए तो हमेशा इन्वर्टेड इमेज मिलती है। बस एक केस में, जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में कहीं पर भी रखा हो तो उस केस में हमें इरेक्ट इमेज मिलती है। तो रेंज क्या हो जाएगी, बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच की किसी भी डिस्टेंस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो हमें इमेज जो मिलेगी कॉनकेव मिरर से वो वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल जाएगी। तो पहली बात तो रेंज पूछ रहा था, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन फोकस एफ एंड पोल पी, एंड पोल कैपिटल पी, एनीवेयर इन बिटवीन, ठीक है, इनके बीच में आप कहीं पर भी रख दें। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट में पूछ रहा था कि नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा। तो अब देखिए जो इमेज बनता है इस केस में वर्चुअल बनता है, डॉटेड लाइन से बनाया गया है। तो इमेज, नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और इमेज जो होगी इनलार्ज भी होगी, यानी इनलार्ज इमेज मीन्स ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का बनेगा, इनलार्ज इमेज बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर देखेंगे। कह रहा है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ ए कार में जो मिरर यूज करते हैं हम लोग वो कॉनकेव मिरर। तो मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, आप कॉपी करेंगे तो लिखेंगे हेडलाइट ऑफ ए मिरर, फिर उसके आगे कॉनकेव मिरर आंसर लिखेंगे। फिर बी पार्ट है साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। जो साइड मिरर होता है व्हीकल्स में, बाइक में, कार में जो लगा रहता है, वो कैसा मिरर होता है, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिससे कि ज़्यादा एरिया का वो इरेक्ट इमेज बना सके। सी पार्ट है सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 9 एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग खुद करेंगे या इसको अभी आप छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। कह रहे हैं अब न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हुए हैं, इसमें एक न्यूमेरिकल है। कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ। तो ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया, ऑब्जेक्ट के साइज को एच सिंबल से लिखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस।
ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ। कन्वर्जिंग लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं और उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस को ही कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन। रे डायग्राम बनाना है, उसके बाद इमेज की पोजिशन बतानी है, इमेज की साइज बतानी है और नेचर यानी लीनियर मैग्निफिकेशन बताना है। तीन चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। ऑब्जेक्ट याद रखना चिल्ड्रन कि हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, तो इसमें हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। बाई लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू 10, u की वैल्यू है माइनस 25, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वन बाई 10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/25 और 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25 और 1/v इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 50 हो गया, 10 फाइव ज़ा 25 टू ज़ा 1/5 1/v इज इक्वल टू 3/50। तो इससे वी की वैल्यू आ गई प्लस 16.67 सेंटीमीटर। यानी इमेज जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के पीछे बनेगा और इतने डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपको इमेज का साइज निकालना था, तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, h' / h इज इक्वल टू v/u। h' हमें कैलकुलेट करनी है, इमेज का साइज कैलकुलेट करना है। ऑब्जेक्ट का साइज दिया था 5 सेंटीमीटर, v हमने निकाल लिया, v की वैल्यू मैं यहाँ से फ्रैक्शन वाली रख रहा हूँ 50/3 और u की वैल्यू है माइनस 25 टू ज़ा, तो h' की वैल्यू आ गई माइनस 10/3 माइनस 3.33 सेंटीमीटर। माइनस साइन बता रहा है कि इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसा होता है, रियल होता है, ठीक है। इन्वर्टेड रियल, और देखिए डिमिनिश्ड भी होगा, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लंबा था और इमेज का साइज उससे कम आ रहा है, तो इमेजेस रियल इन्वर्टेड। एंड ये नेचर की बात हो गई। ये जो तीसरा वाला पार्ट आया है, नेचर पूछ रहा था न्यूमेरिकल में, उसमें हम ये लिख देंगे कि इमेज इज इन्वर्टेड रियल एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसका रे डायग्राम भी बनाना था चिल्ड्रन, तो मैं यहाँ पे छोटा सा बना रहा हूँ, आप बाद में बनाएंगे। इसमें आपको एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, इसको f1 f2 हो गया, ऑब्जेक्ट 25, तो ये अगर इतना 10 है तो ये 20 और ये यहाँ कहीं पर ये हो गया 2f1। ये ऑब्जेक्ट ab रखा हुआ है। अब ab से आप दो रेस चलाएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो तो इसके फोकस से पास हो जाएगा और दूसरा इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे सीधी चली जाएगी, ये यहाँ कट करेगा, ये डिस्टेंस हो गया 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा था, इमेज की वैल्यू ये आई है, ये हो गया 16.67 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ को ऊपर लिख दे रहा हूँ प्लस 10 सेंटीमीटर। डायग्राम बनाते वक्त एरो जरूर लगाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो मैंने ब्रैकेट में आगे माइनस साइन लगा दिया
और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है वो ब्रैकेट में लिख दो। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर में बन रहा है। कॉन्केव लेंस से जो हमेशा इमेज बनता है वो जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है उसी साइड में बनता है, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आपको बताया हुआ है कि हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है, तो बाय लेंस फॉर्मूला वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। एफ की वैल्यू है 15, वी की वैल्यू है -10, 1/u, 1/u इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। एलसीएम हो गया 30, 10 3s are 15 2s are, तो 1/u इज इक्वल टू -1/30, तो इससे u की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को आपको 30 सेंटीमीटर पर रखना होगा कॉन्केव लेंस के सामने। इसका मैं रे डायग्राम बना रहा हूँ, ये कॉन्केव लेंस बना दिया जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी थी 15 सेंटीमीटर। मैं आगे माइनस लगा रहा हूँ ये बताने के लिए कि कॉन्केव लेंस है, ये इसका फर्स्ट फोकस होगा, सेकेंड फोकस उतनी ही डिस्टेंस पे दूसरी तरफ होगा, ठीक है। अब यू की वैल्यू आ गई है 30, तो ये 15 है, तो 15 का डबल यानी ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2F पर, भाई ये 15 है, फोकल लेंथ 15 है और यू आया है 30, तो ये ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से मैं रेज चला रहा हूँ एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, इसलिए ये रेस को डाइवर्ज करेगा, और इस रेस को जब आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से पास होगी। दूसरी रेस आपको ऑप्टिकल सेंटर पे डालनी होगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेस बिना डेविएट हुए स्ट्रेट चली जाएगी, जहाँ ये कट करेगा वहाँ इमेज बन जाएगा, ये ए डैश बी डैश इमेज। ये वैल्यू 30 दी हुई थी, 30 मैंने कैलकुलेट करी है, ये 15 सेंटीमीटर और V की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक चिल्ड्रन आप लोग करेंगे, और जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको फेयर कॉपी में करने हैं, पहले इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस, उसके बाद जो लेसन एंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज जो है।